तो फ्रेंड अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जिनसे हमें मिलना था, तो अभी चलते हैं अंदर और उनसे मिलते हैं। घर से तो हम निकले मादा जाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करके जाना था मुंबई में। बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, किसी की हेल्प के लिए। तो बस अभी हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। से एक दो महीना छुट्टी है। अच्छा, रोहान के बाद हुई ना? रोहान के बाद हुई। फ्रेंड्स, ये बेबी है, हमें इसकी हेल्प करनी है। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने शेयर किया था इनारा के बारे में और काफी सारे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं इनके बारे में। तो हमने सोचा हम पर्सनली जाके देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, बिलीव नहीं कर पाते इस बीमारी के बारे में क्या है, ये बेटर इनके पेरेंट्स बता पाएंगे। बीमारी का नाम है SMA, विच इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। लाइक इट्स नॉट अ कॉमन डिजीज, 15,000 बच्चों में से एक को होती है। उसमें सिम्टम्स पता चले जब वो पैर फ्लैप नहीं कर रही थी, 3.5 मंथ्स की हुई जब उसके सिम्टम्स पता चले अबाउट दिस। ये ग्रोन अप को भी हो सकती है, पर मोस्टली ये बच्चों में होती है। बच्चों में इसमें एक जीन जो हमारे सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन्स, जिसके वजह से हमारे बच्चा पैर फ्लैप करता है, हाथ हिलाता है, गर्दन नॉर्मल लगता है, वो सब चीज़ वो न्यूट्रॉन से काम होती है जो हमारी बेटी में नहीं है। अभी फिलहाल इसके लेग्स में दिख रहा है। इट इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स हर चेस्ट, टूवर्ड्स हर हैंड्स, टूवर्ड्स हर नेक्स एंड इन द एंड ऑल्सो हर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक कंपनी है जो नोवेटिस करके US बेस्ड कंपनी है, जो इसका ड्रग बनाती है जॉलजेंसमा, जिसके लिए हमने क्राउड फंडिंग किया और मेरी वाइफ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है कि हमें जिस चीज़ के लिए पैसे चाहिए वो ये पर्टिकुलर ड्रग है। वो ड्रग एक जीन थेरेपी है। मेरी बेटी की स्पाइनल कॉर्ड में जब वो इंजेक्शन इन्फ्यूज किया जाएगा तो उसके बॉडी में जो जीन मिसिंग है वो एक नई जीन डाली जाएगी, जिसकी वजह से मेरी बेटी पैर फ्लैप कर पाएगी। थोड़ा मोशंस डिलेड होगा, माइलस्टोन डिलेड होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद से यही कर सकते हैं कि ये चीज से इसको अलग अलग शिफा दे। तो अपना ये जो जीन डालेंगे ये 6 मंथ्स के पहले डालना रहता है जी। उसके बाद अगर ये डिले हुआ तो? अगर ये डिले होता है 6 महीने के बाद तो चांसेस कंपनी के बोले गए ऐसे है कि 6 महीने से पहले अगर बच्ची को दिया गया तो इसके रिजल्ट्स ऐसे इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपकी बच्ची को कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे चांसेस हो। पर अगर 6 महीने के बाद दिया जाएगा तो देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी मोर डिलेड और वॉट एवर द डैमेज दैट स्टार्ट्स कैन नॉट टर्न बैक ईदर। लेकिन ये जो जीन का जो इंजेक्शन होता है, जो SMA डिसीज है, वो बहुत महंगा है, नॉर्मल इंसान के सोच से बाहर है। तो एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान के हेल्प से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अगर करेंगे तो शायद ये चीज़ हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ज़्यादा लोगों में फैले। तो हमसे जितनी हेल्प हुई है वो हम कर रहे हैं ब्लॉग के थ्रू, शायद और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, आप इसे और शेयर करें और ये बच्ची जो है ये मतलब अपनी लाइफ नॉर्मल बच्चे की तरह जी पाए, बस हमारा यही मकसद है। तो उसका जो टोटल कॉस्ट है इंजेक्शन का वो कितना है? 14.5 करोड़। 14.5 करोड़। और अभी कितना हो गया? 80 लाख, 85 लाख। 85 लाख हो चुका है। 2 मंथ्स का टाइम बचा है, तो प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इनका इम्पैक्ट ग्रुप पे भी सब कुछ पड़ा हुआ, मतलब सब सारा वेरीफाइड है। बाकी आप, मैं इनके लिंक्स जो भी है वो डाल दूंगी, इनका जो डिटेल है वो भी यहाँ पे ब्लॉग के नीचे आपको दिख जाएगा। और इस ब्लॉग से हम जो भी अर्न करेंगे वो भी सब कुछ इनको हम देंगे, इंशाल्लाह वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप सबको भी मदद करनी है, आप सबको भी शेयर करना है और साथ साथ दुआ भी करनी है इनारा के लिए। हम लोग भी आपका ब्लॉग देखते हैं और आपके लोग, आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 मिलियन लोग देखते हैं। अगर वो 1.5 से 2 मिलियन लोग हमें 10 रुपये या 100 रुपये भी दें तो वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत नज़दीक आ सकते हैं। और अगर कोई ना भी दे रहा है तो अपने दोस्त यार में से स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और जिन्हें भी हेल्प करना हो वो हेल्प कर सकते। इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह हम चलते हैं, हमें जाना था। पता है ये मुझे इतना ज़्यादा टेंशन था कि मैं अभी 10 दिन के लिए चले जाऊँगी, डिले हो रहा है, टाइम होता तो होता रहता है, अब ये टाइम कम है उसके पास, तो इसीलिए ये सब जल्दी करना था। मिलते हैं, बाय कर रहे हैं नारा, बाय बाय। पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग स्टेशन, सामान वो सब सारा उतारते हैं और फिर चलते हैं। चल लगी हमारी ट्रेन, अब पढ़ते हैं सफर की दुआ और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह सुबह झांसी में। चलो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलते हैं।
लक्ष्मी बाई स्टेशन मतलब झांसी स्टेशन। कैसी ये जैकेट? कम से कम मेरी जैकेट तुमसे अच्छी है, जैसे पोछा लगाने वाला कपड़ा होता है ना, वो पैर पोछने वाला, वो वाला पहन के आ गई है। बहुत ठंड तो है? ठंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो कोहरा भी नहीं है। तिरंगा झंडा लहराता हुआ। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह साहब आ गया था, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब पीएंगे एक चाय और निकलेंगे। पता है खुली हुई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई दो बार तो हमारा फोटो आ चुका है आपके चैनल में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में औरतें देखती हैं। हाँ। तो उन्होंने हमसे बताया कि आपकी फोटो आई है। देखिए कोहरा भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं है। और मुझे लगी आज बहुत तेज भूख, तो कुछ देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे हैं। ये धुआं निकल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ बंद है तो और ठंडा है। रूम एकदम सेट, मेरी जैकेट कहाँ है? ये है। फ्रेंड्स देख लो, ये बार बार मेरे इतने प्यारे से कोट को ना डोरमैट जैसा बोल रहा है। डोरमैट जैसा लग रहा है ये? डोरमैट क्या, कैसा डोरमैट? इसमें पैर पोछते हैं, कमरे में घुसने देते हैं। तो कैसा होता है? ऐसा होता है ना, इसी कलर का भी होता है, मुलायम मुलायम होता है। फ्रेंड्स इतना अच्छा तो लग रहा है। आ चुके हैं घर फ्रेंड्स, और अब जाएंगे सो। अस्सलामुअलैकुम महर, कैसी हो? हम ठीक। ये भाभी ने बना के दिया था रास्ते में, मैंने एक ही पीस खाया है। अच्छा लगेगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अभी खा लूँ मैं? अभी थोड़ी देर, मुझे तो बहुत बनाना है ना। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग घर, आपने देखा तो उसमें सो गए थे। फिर अभी दिन भर से बातें बहुत सारी, इतने दिनों बाद में तो बहुत सारी बातें होती है। बाहर में सब लोग बैठे हुए हैं, सनी अम्मा शादा फूफा लोग, महर मिलने आई है। तो फ्रेंड्स सुबह हम लोग पहुंच गए थे मौदहा, और आज हमने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग इतना थके हुए थे सुबह से। हम लोग सब लोग बैठी हैं, सर्दी है, रुखसाना बाजी बैठी है यहाँ पे बहुत दिनों के बाद। रुखसाना बाजी अभी सब जा रही है बाजार फ्रूट्स लेने, मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्तों में क्योंकि सुबह से कहीं नहीं, अब आऊंगा आराम से 10 बजे रात में। ठीक है, तेरे मुंह क्यों बन गया? आपने कहा था नहीं जाऊंगा। तो मैंने भी तो कहा था बेटी खाला क्या नहीं जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि अगर तुम बेटी खाला क्या नहीं जाओगी दोस्तों में नहीं जाऊँगा, तो तुम मेरी शर्त मानो। बताओ बताओ क्या करना चाहिए? तो बस तो फिर कहना चाहिए मैं भी जाऊँ दोस्तों में, क्या दिक्कत है इसमें? वालेकुम सलाम। आ गए फ्रेंड्स बेटी खाला के घर। आज सर्दी नहीं है ज्यादा, सही है, अल्लाह ने हमारे लिए रहम कर दिया, हमारे बदौलत मौदहा वालों को भी आराम मिल गया। आज ठंडी कम है बहुत ज्यादा। बेटी खाला ने आज स्पेशल खाना बनाया है हमारे लिए, पूरी सब्जी और हलवा। का है मेरा ला, इसे मैं साइड में रख दो, बर्तन नहीं गंदे करो ज्यादा। इसमें नहीं खाते नहीं, बस थोड़ा सा, बस फिर ले लूंगी, बस बस मैं खा लो। लगवा लिए गीजर क्योंकि पतीली में गरम पानी करते थे पता है, जब रिजल्ट हम यहाँ देते थे तो ठंडी पड़ गई, मैंने फिर लगवा लिया। अच्छा लगा। लेकिन सिलेंडर वाला लगा है। सिलेंडर का इसको ये रखा है? लाइट से रिस्की तो नहीं है? नहीं नहीं, लाइट से कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो कह रहे हो ये वाले सक्सेस है? हाँ, 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 सिलेंडर कितने दिन चल जाता है? एक सीजन पूरा चल जाएगा, हम तो अकेले बचा रहेगा। चलो सही, अम्मा के पास है। चलो कह रहे हो चले आ जाओ, बैठ जाओ कह रहे हो आगे। फ्रूट से लेते हैं फ्रेंड्स, फिर चलते हैं। बुझ चुकी है लेकिन फिर भी गर्म है। नहीं बुझी थी, तांग के मीठा दिखा। वो तो मैं दिखा रही आग, देखा धुआं हो लगी। ये बुरादे की आग। अच्छा बुरादे की आग, लकड़ी का बुरादा होता है। ये भी सही होती है अम्मा? हाँ, ये अच्छी होती है, इसमें शकरकंद अच्छी भूनती है। अम्मा नहीं खाती शकरकंद? नहीं खाती, कम खाती। अम्मी तो इतना खाती है। अम्मी खाते तो अम्मी किसको पड़ गई है? हम अम्मी खाते, नाजा खाला भी खाती है। तो अम्मी अम्मा को नहीं पड़ी, अब्बा को पड़ी। अब्बा खाते होंगे, अब्बा खाते, अब्बा खाते थे अम्मा। मॉर्निंग। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग मौदहा में हमारी, और अभी अम्मा को लेके जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। सब हो रही है यहाँ पे रेडी। रेडी हो गई अम्मा को बुलाओ, कहाँ है? चलो ठीक चले फिर। जैकेट तो ठंडी नहीं है? ये गर्म है। तुमने किसका बैग ले लिया है? चलो जल्दी आओ फटाफट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हो गया अम्मा को रूटीन चेकअप, अब चलते हैं घर। फ्रेंड्स आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, उसके लिए बस मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। काम चला वाला बोर्ड रेडी कर दिया है। एक्चुअली हमारा बोर्ड आ नहीं पाया क्योंकि गाड़ी खराब हो गई, दिल्ली से हमारा बोर्ड आ रहा था, तो सभा का आइडिया था, मैं तो परेशान हो गया था कि अब होगा क्या। सभा ने मुझसे बोला कि व्हाइट बोर्ड मंगाओ, फिर व्हाइट पेपर लगाएंगे, प्रिंट आउट निकाला, तो सारा क्रेडिट जाता है सभा को। इसका दिखा देंगे। मेरा ये था कि कोई शॉप पे आए तो उसे देखें कि किस चीज की शॉप है।
तो उनको पता तो चलेगा बस यही ऑप्शन था कि इससे बड़ा प्रिंट मादा में अभी नहीं निकल रहा, अवेलेबल नहीं है, एक दिन का टाइम लगता है। मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को, आपने जो शुरुआत की है अल्लाह उसमें आपको सबको कामयाब। आमीन। जो भी अपडेट रहेगी इंशाल्लाह हम आगे देते रहेंगे और व्लॉग में भी दे देंगे अभी और इंस्टा में भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, लेनी थी आपने देखा होगा ये व्लॉग भी हमने ज्यादा डिटेल में नहीं बनाया, लेकिन जो मेन मकसद से स्टार्ट किया था पहले इनारा के लिए, जो बेबी इनारा है जिसको आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए, और दूसरा ये जो सनी लोगों का माशाल्लाह से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हुआ है मादा हमें, तो उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। आपने सोचा होगा किस चीज की ओपनिंग हुई है तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपको सनी बेहतर बताएंगे। इससे पहले तो ये बताओ तो जो हमने खोला ना बेसिकली वो एसएस ट्रेवल एजेंसी के नाम से हमने उमरा के लिए एक ट्रेवल एजेंसी खोली है, जिसमें हम लोगों को उमरा भी कराएंगे, जिसमें हम पर्सनल उमरा भी होंगे, उसमें ग्रुप वाले भी होंगे, हॉलीडे पैकेज वगैरह भी रहेंगे अभी हमारे। तो वो मतलब सिर्फ सनी का नहीं है, सोलो नहीं है, हाँ। चार फ्रेंड्स मिलते हैं, तीन फ्रेंड्स और हैं सनी के और एक है सनी चौथे, ये चार लोग का ग्रुप है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। ऑलरेडी इसमें से तीन फ्रेंड जो है वो सऊदी में ही है, लोग उमरा करने जाते हैं और लोगों को बहुत सी चीजें पता नहीं होती तो वहाँ परेशान होते हैं वहाँ जाके, तो ऑलरेडी हमारे वहाँ पे दो बंदे हरम शरीफ के अंदर है और एक टाइफ में है जो सब चीजें मैनेज करते हैं, जो टिकट्स बुकिंग सारी चीजें होटल बुकिंग वो देखेंगे, बाकी चीजें दूसरी चीजें दो लोग अलग देखेंगे, वहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, परेशानी और ना हो। जितना सनी से हेल्प करते वो मैं करूंगा। तो बेसिकली हमने चार लोगों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बस आप लोगों की दुआओं को तलबगार हूँ, आप लोग दुआ करिए मेरे हाथ में ताकि हम और आगे काम कर सके। बहुत सारी जिम्मेदारियां सनी ने ले ली है, वहाँ पे मुंबई में भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ अलग से भी करता रहूँ। तो हमने कहा ठीक है, अल्लाह को भी पसंद है मेहनत करते रहना और आपकी नीयत अच्छी है और अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह को कामयाबी देगा, बिल्कुल कामयाबी देगा। तो जो हमारा ये एजेंसी है एसएस ट्रेवल एजेंसी के नाम से है और इंशाल्लाह जो भी अपडेट रहेंगे अभी उमरा के पैकेज वगैरह रहेंगे कि उमरा के लिए हमारा ग्रुप कब जा रहा है तो मुझे भी अपने एजेंसी से उमरा करा देना, बिल्कुल भाई आपको तो हम पहले कराएंगे उमरा। तो जो भी अपडेट रहेगा इंशाल्लाह वो मैं इंस्टाग्राम में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। हमने आपको ये बता दिया और दूसरी बात यह है कि फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इनारा है जो ब्लॉग के ओपनिंग में आपको दिखाया था आपको उसकी हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है। अच्छा हम कैसे जानते हैं, हम उनको एकदम पर्सनली नहीं जानते, इंस्टाग्राम पे जो हमने देखा कि सारे लोग इसको शेयर कर रहे थे, हमारे पास भी उनका मैसेज आया, ऐसी बहुत सी न्यूज आती रहती है, आप सबके पास भी आती होंगी, लेकिन दूर होता है तो पता नहीं चलता। जब हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप मुंबई में ही रहते हैं तो फिर क्यों ना हम जाके ही देखें, जब हमने जाके देखा तो हमें लगा कि नहीं गांव से जरूरत है, और हमने कहा, उन्होंने बोला कि आपके ब्लॉग सब देखते हैं शायद उनसे हमारी हेल्प हो, तो हमने कहा अगर हमारे जरिए किसी की मदद हो सकती है तो हम बिल्कुल करेंगे, तो अगर आपका दिल इतना भी कहता है तो प्लीज उसके लिए छोटी सी छोटी और वो मदद। बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है, हाँ। और मेरे ख्याल से अगर हम सब जितने भी लोग हैं ना अगर 100-100 रुपए 50-50 या 500 जिसकी जो भी हैसियत है तो उसका एक अमाउंट अच्छा खासा इकट्ठा हो जाए, जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है, जिससे उसकी चीजें सही हो सकती है। आप सबको भी मदद करना है क्योंकि ये सब चीजें किसी के साथ भी आ सकती है, कल आज वो है कल हम भी हो सकते हैं। बस हमारी यही दुआ, अल्लाह सबको औलाद दे और सबको सेहत औलाद दे, माँ बाप पे क्या गुजरती है वो माँ बाप समझते होंगे। हम अभी फिर से कह रहे हैं कि इस व्लॉग से हम जो भी अर्न करेंगे उसका पूरा जो भी होगा रेवेन्यू हम इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह उनको देंगे, और हमने अपने एंड से मदद काफी कर भी दी जितने हमसे बन सका है, हम करते रहेंगे। हम चलते हैं फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तुम्हारे इसमें एनर्जी नहीं है, मैं खत्म करता हूँ तुम्हारा एंड करता हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहें। ये बताना था कि हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन का व्लॉग से जो है वो ब्रेक ले लें, मतलब जिस दिन हम शादी के लिए निकलेंगे तब से व्लॉग बनाएंगे, 2 दिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत सारे काम है, अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो सब भी देखना है। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।